हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू योर फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह के लगभग 8:15 का टाइम होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि लगभग मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। 7 बजे मैं किचन में आई हूँ, तो खीर भी लगभग बन चुका है। इसको चढ़े हुए 1 घंटा से ज़्यादा ही हो गया है। आलू का सब्ज़ी बन गया है, तोरे भी मैंने काट के रख लिया। तभी तोरे का सब्ज़ी छोंक लगा दूँगी, क्योंकि जब गौ ग्रास निकालते हैं तो उसमें सब्ज़ी नहीं निकालते हैं, नमक नहीं निकालते, मेरे यहाँ नहीं निकालते हैं। मैंने जो देखा वैसा कच्चा तोरा निकाला जाता है। तो पहले सब्ज़ी का छोंक लगा दूँगी तो सब्ज़ी अपना बनते रहेगा। एक साइड में पूरी जैसे निकाल के उसका गौ ग्रास निकाल दूँगी। वो जल्दी निकालना होता है, फिर पंडित जी जो खाते हैं। हालाँकि आज तो लेडीज आएगी। आज जो है ताई जी का श्राद्ध है, मतलब कि पहले हो गया है, दादी जी का हो गया, पापा जी का हो गया, ताई जी का, दादा जी का भी कल हो गया था। कल मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि रोज़ तो यही काम करना होता है। आज भी लगभग सुबह से मैंने वीडियो शूट नहीं किया, सब काम हो गया है। यह लास्ट का है, मतलब खीर भी लगभग बन ही चुका है। अभी इसमें चीनी डालना है, क्योंकि इसको पकाते हुए 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है। खीर बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो सबसे पहले मैं खीर ही चढ़ा देती हूँ। अब तोरे का सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यही 10-5 मिनट जो लगेगा। तो साथ में मैं एक साइड पूरी निकाल दूंगी, एक साइड सब्जी हो जाएगा। अब सब्ज़ी में छोंक लगाने के लिए मुझे यही कढ़ाई बेस्ट लगता है। हालांकि मेरे पास एक बड़ा कढ़ाई और रखा हुआ है, जिसमें ज़्यादा सब्ज़ी जब बनाना रहता है तो उसी में बनाती हूँ। फ्राई पैन भी है, पर मैं इसी में सब्ज़ी बनाना मुझे ठीक लगता है। तो कढ़ाई को मैंने धो लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा गंदा नहीं हुआ। आलू का सब्ज़ी निकाल के इसी में, और सब्ज़ी का छोंक मैं इसी में लगाती हूँ। कोई भी चीज़ का ज़्यादातर सब्ज़ी बनता है इसी में बनता है। ज़्यादा जब बनाती हूँ तो वो वाला बड़ा वाला कढ़ाई में बनाती हूँ, नहीं तो इसी में बनता है। मेरा आदत हो गया है इंडक्शन पर, अब वो वाला कढ़ाई इंडक्शन पर काम नहीं करेगा, इसीलिए इसी में मैं चढ़ा दूंगी। इधर चूल्हा पे मैं एक साइड पूरी निकालूंगी, तो एक साइड फिर सब्जी चढ़ाऊंगी, एक साइड खीर चढ़ा हुआ है। खीर इंडक्शन पर चढ़ाती नहीं हूँ, क्योंकि लगने का डर रहता है, तो इसको चूल्हा पे चढ़ाना होता है। सब्जी ज़्यादातर उसी पे होता है, तो तीनों साइड काम होते रहेगा, तो जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि 10 बजते बजते सब काम कंप्लीट करना है। पीयूष लखे जब स्कूल जाएंगे तो वो खाना खा के भी जाएंगे, टिफिन भी लेके जाएंगे, तो पहले खिला दूंगी, निकाल दूंगी खाना, उसके बाद ही पीयूष लखे खाएंगे। तो 10 बजने से पहले पहले सब काम कंप्लीट करना, वैसे भी हो जाता है, क्योंकि शुरुआत से मैं उसी हिसाब से ही काम करती हूँ, क्योंकि 9:30 बजे का बोला हुआ है। तो 10 बजते बजते वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा। खाना खिला दूँगी, उसके बाद पीयूष लखे खा सकते हैं। ऐसे जब तोरई का सब्जी बनाती हूँ तो मेरे यहाँ कोई नहीं खाता है, जो भी थोड़ा बहुत है मैं ही खाती हूँ। पीयूष के पापा भी बहुत कम खाना चाहते हैं। और ये वाला तोरई का सब्जी थोड़ा सा भी बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनता है। पता नहीं इसमें वही तरीका से बनाती हूँ, सेम जैसे रेगुलर बनाती हूँ वैसे आज भी बनाऊँगी, पर ये वाला सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनता है। आलू का सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है, मतलब दूसरा सब्ज़ी बनाने का मन ही नहीं करता। पिछले बार मैंने एक सब्ज़ी बनाया था, पर आलू का सब्ज़ी जो अच्छा लगता है उतना कोई सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता है। मेरे यहाँ हमेशा से यही खाना बनता है, तोरई का सब्ज़ी, आलू का सब्ज़ी, खीर, हलवा, पूरी, बस यही बनता है। तो यही मैं भी बना देती हूँ। Thank you.
अब पूरा खीर लगभग पक चुका है, 15-20 मिनट में इसको उतारना है, तब इसमें मैं चीनी डालूंगी, इलायची डालूंगी। आजकल काजू बादाम ये सब नहीं डालती हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे याद नहीं आता है, अब बाद में अकेले सब करना रहता है तो उतना टाइम नहीं रहता है, हड़बड़ी में सब करती हूँ। बच्चे हेल्प करवाते हैं पर उनसे ये काम नहीं होगा जो मुझे ही करना रहता है, इसलिए मैं डालना ही छोड़ देती हूँ। चीनी डालने के बाद थोड़ी देर इसको चलाना होता है कि नीचे लगेगा नहीं, मतलब कि लगने का डर रहता है, तो 1-2 मिनट के लिए चला दिया है। अब आटा सान लूँगी, आटा भी 2 बार करके लगाऊंगी, एक बार बिना नमक का लगाया जाता है, जो निकलता है वो बिना नमक का होता है, और फिर जो खाने के लिए लगाऊंगी वो बाद में लगाऊंगी, पहला निकाल दूंगी उसके बाद खाने के लिए पूड़ी बना दूंगी। आटा को लगा के नहीं छोड़ूंगी, तुरंत पूड़ी निकालूंगी, तो एक साइड में तेल गर्म होने के लिए भी चढ़ा दूंगी, खीर को इधर छोटा वाला भी चढ़ा दूंगी, क्या खीर लगभग बन ही चुका है तो इसको छोटा वाला भी कर दूंगी, उधर तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दूंगी, क्योंकि एक साइड पूड़ी बेल लूँगी, एक साइड में निकाल भी दूंगी। अभी तो आटा भी नहीं लगाया है, मुझे आटा लगाना मुश्किल भी नहीं लगता है, बहुतों को देखती हूँ कि सबसे मुश्किल काम आटा लगाना ही लगता है, पर मुझे नहीं लगता, बहुत जल्दी मेरा आटा लग भी जाता है। अब भगवान की दया से रोटी भी अच्छा ही बन जाता है, पूड़ी भी अच्छा ही बनता है। हालांकि मोहन नहीं लगाती हूँ मैं आटा में, इसमें भी मोहन नहीं डालूंगी, तेल नहीं डालूंगी, कुछ नहीं डालूंगी, इसमें नमक भी नहीं डालना है, जो खाने का पूड़ी होगा उसमें केवल नमक डालूंगी और तेल कभी नहीं डालती हूँ, फिर भी अच्छा अच्छा मुलायम पूड़ी बन जाता है, सॉफ्ट भी बनता है पूरा, क्योंकि पूरा तेल गर्म होने के बाद एक एक पूड़ी निकालो, एक एक बेलो, तो बहुत अच्छा पूड़ी बन जाता है। मम्मी हमेशा ऐसे ही करती थी, मैं भी हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत अच्छा पूड़ी बन भी जाता है। पहले जो काम मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता था वही काम मुझे अब अच्छा लगता है करना, मतलब पूड़ी निकालना, पकौड़े निकालना, बड़ा बनाना, ये सब काम मुझे बहुत मुश्किल लगता था, खीर भी उतना अच्छे से नहीं हो पाता था, पर अब खीर भी बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि जो भी खाते हैं उनको पसंद आ जाता है, वही अच्छा लगता है। अब मुझे खाना बनाना और खिलाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, खाना बना के खिलाती हूँ और अच्छा खाना बन जाता तो और अच्छा लगता है। ऐसा बहुत काम है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मुझे करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मजबूरी में करना पड़ता है, जैसे कपड़ा समेटना हो, आयरन करना हो, कपड़ा का सिलाई करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मजबूरी में कभी कभार ये सब काम भी करना पड़ता है। पर खाना बनाना मैं बहुत मन से करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, नया नया सामान बनाऊँ, रेसिपी बनाऊँ, आजकल तो फिर भी बहुत कम बनाती हूँ, पहले तो बहुत ज़्यादा बनाती थी, पर अब कम कर दिया मैंने धीरे धीरे बनाना। पहले हलवा मुझसे बिल्कुल अच्छा नहीं बनता था, अब वो बहुत अच्छा बनता है। कल ही किसी ने कहा था कि आपका हलवा बहुत अच्छा बना था, क्योंकि कल शायद मैंने हलवा बनाया है, तो उसी के लिए बोल रही थी कि हलवा बहुत अच्छा बना है। एक बार वही हलवा मैंने बनाया, मतलब बना के रख दिया, किसी ने नहीं खाया, क्योंकि वो ऐसा बना था किसी के खाने लायक बना ही नहीं था, इसीलिए किसी ने नहीं खाया। कोशिश करो तो सब चीज़ होता है, मैं भी धीरे धीरे कोशिश करती हूँ, जो ख़राब होता है वो भी ठीक हो ही जाता है। कहावत है जो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वही होता है, मतलब एक दो बार ख़राब भी होता है सामान, सब फर्स्ट बार में सही नहीं होता, पर धीरे धीरे करने से सही हो जाता है। Thank you.
यहाँ खीर को मैंने कटोरी में निकाल लिया, क्योंकि ज़्यादा गरम गरम नहीं निकालना चाहिए, तो कटोरी में थोड़ा सा निकाल लिया तो वो ठंडा हो जाएगा। इसमें भी तुलसी पत्ता डालूंगी, क्योंकि बहुत बार मैं भूल जाती हूँ। पहले खाना में तो निकाल देती हूँ, पर खीर में डालना भूल जाती हूँ। नमक का सब्ज़ी में तो नहीं डालती हूँ, पर पूड़ी में, खीर में, ये सब में तुलसी पत्ता डाल देती हूँ। उसके बाद जो निकाल रही हूँ उसमें भी डालती हूँ। वैसे तो ये तुरई के पत्ता पे निकलता है, मेरे यहाँ गाँव में तो तुरई के पत्ता पे निकलता है, पर मैं इसमें तुरई डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ तुरई का पत्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। मम्मी हमेशा तुरई डालती थी, तो मैं भी हमेशा तुरई डाल देती हूँ। अब तो लगातार 3 दिन तक यही होगा, कल भी हुआ था, आज भी है, कल भी होगा। अमावस्या के दिन तो लगभग सब जगह होता है। यहाँ का लगभग सब चीज़ हो चुका है, बाहर का पीयूष लकी ने कर दिया है, क्योंकि खाना निकालने पीयूष के पापा पूजा कर लेते हैं, फिर देने का काम पीयूष लकी करते हैं, दे के आते हैं। ऊपर में भी जो निकाल के रख के आते हैं वो भी पीयूष लकी करते हैं, गाय को भी पीयूष लकी करते हैं। अच्छा भी लगता है, बच्चों को ये सब सिखाना भी ज़रूरी होता है। मेरे बच्चों को पसंद भी है, वो करते भी है तो मन से करते हैं, उनको शौक रहता है पूजा पाठ का, कोई भी काम करने का। सब काम कंप्लीट हो गया है, खिला भी दिया है मैंने, निकाल के खाना जो भिजवाते हैं वो भी करके आ गई हूँ। इसके बाद अब पीयूष लकी का प्लेट लगा रही हूँ, क्योंकि अब उनको हड़बड़ी है स्कूल जाने का। 9:30 बजे मेरा काम वो हो गया था, अभी पीयूष लकी खाना खाएंगे, उनका बैग पैक मैं कर दूँगी, टिफिन पैक कर दूँगी, 15-20 मिनट में सब काम हो जाएगा। उसके बाद पीयूष लकी स्कूल चले जाएंगे, उसके थोड़ी देर में आराम से 5-10 मिनट बैठूँगी, क्योंकि काम अभी भी मेरा बहुत सारा बाकी है। कपड़ा वैसे आज के दिन धोया नहीं जाता है, प्लस रात निकालने के बाद धो सकते हैं, पर मेरा कल का कपड़ा धुला हुआ है वो भी नहीं सूखा है, तो वो भी मुझे करना है। पर 5-10 मिनट में आराम करूँगी, सुबह से जो लगे रहते हैं तो उसके बाद थक जाते हैं। लकी आप सबको पूछ रहा है, आप सब आइए खाना खा लीजिए। वैसे उतना तेज़ धूप नहीं आया था, अभी भी उतना तेज़ नहीं है, मतलब कि अचानक से बादल होता है, अचानक से धूप होता है। ये कल का कपड़ा है, तो कल भी मैंने बाहर डाला था, आधा कपड़ा सूख गया है, आधा अभी भी गीला है, आधा सुबह का है वो भी डाल दूँगी, क्योंकि मेरे आजकल आंगन में धूप आना कम हो गया है। जैसे पेड़ बड़ा बड़ा हो गया उसी से छांव रहता है, आधा आंगन में धूप आता आधा में नहीं आता है, तो जैसे पेड़ के नीचे जो कपड़ा डालती हूँ वो गीला रह जाता है, उसको दोबारा डालने का जरूरत होता है। वैसे भी अब धूप धीरे धीरे कमी होगा, दिन में धोया हुआ कपड़ा को सूखने में 2 दिन लग जाता है। वैसे मतलब कि पतला कपड़ा तो फिर भी सूख जाता है, पर मोटा कपड़ा को सूखने में और टाइम लगता है। ज़्यादातर कपड़ा ड्राई करके ही डालती हूँ, उसके बाद भी अब धीरे धीरे कपड़ा सूखने का टेंशन। वैसे सच बताऊँ तो ये मौसम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मौसम में भी पूरा चेंज हो गया है। रात के समय मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है, दिन में तो फिर भी हल्का फुल्का गर्मी रहता है, उतना तेज़ गर्मी नहीं रहता है, हल्का फुल्का गर्मी रहता है। रात में मौसम अच्छा हो जाता है, हल्का फुल्का ओस गिरना शुरू हो जाता है, बाहर में अगर कपड़ा रहता है तो वो गीला हो जाता है, पौधों से भी हल्का फुल्का पानी टपकता रहता है। ये मौसम सबसे बेस्ट मौसम है, ना ही तो इसमें ज़्यादा गर्मी रहता है, ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है, सब अच्छा लगता है।
अब गर्मी नहीं रहता तो हर काम करने का मन करता है, नहीं तो ठंड है ना ही गर्मी है, खाना बनाने का भी मन करता है। अब तो धीरे धीरे घर का साफ़ सफाई में लगेंगे। अब मैं सोचती हूँ कि दुर्गा पूजा में ही शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। साथ में त्यौहार भी रहता है, तो त्यौहार का भी रहता है, साफ़ सफाई का भी रहता है। कम से कम 10 दिन तो लग ही जाता है पूरा घर का सफाई करने में। मतलब कि ये सफाई करने का खुशी भी अलग ही रहता है। बहुत दिन से मेरा तो दिमाग में यही चल रहा है कि कब से शुरू होगा, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा तो लगता है, पर एक दिमाग में टेंशन भी रहता है कि हाँ करना है, सब कोई मिल के करते हैं, बहुत सारा चेंज भी हो जाता है। सामान ही इधर से उधर कर देते हैं, अकेले तो जैसे नहीं कर पाते हैं, इधर का सामान उधर कर देते, उधर का इधर कर देते, उसी से अच्छा लगता है। मुझे ये सब करना बहुत पसंद है, पर अकेले नहीं कर पाती हूँ। अब सब कोई साथ मिल के करते हैं। अब कपड़ा मैंने बाहर डाल दिया, अब अंदर जाऊँगी, बैठ के पानी पीऊँगी, फिर नाश्ता करूँगी। हालांकि तुरंत नहीं करूँगी, 5-10 मिनट बैठूँगी, पानी पीऊँगी, उसके बाद नाश्ता करूँगी। इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो जरा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।